हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ आज नया वीडियो लेकर आपके सामने। मेरे नए दोस्तों को मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल एक बार सब्सक्राइब की दीजिए और कर दीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में। और जो है जो जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे सब बताना है, ठीक है, ताकि अगर कुछ चीज़ में मेरा गलती होता है तो मैं सुधर सकूं। ओके, तो आज जो हम चीज़ को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूटन स्विंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले दिन में पोलारीमीटर जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोले थे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो न्यूटन स्विंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर होगा। तो न्यूटन स्विंग बेसिकली जो चीज़ में निर्भर करके होता है वो है इंटरफेरेंस। लाइट का जो ट्रांसवर्स वेव होने के नाते जो तीन वेव जो ऑप्टिक्स होता है, वेव ऑप्टिक्स का तीन प्रॉपर्टी होता है। एक उसका पोलराइजेशन होता है, इंटरफेयर करता है, और डिफ्रैक्शन होता है। तो पोलराइजेशन के बारे में मैं बोल दिए थे पोलारीमीटर में, अब जो है वो इंटरफेरेंस का एप्लीकेशन होगा। तो इंटरफेरेंस हमको पता है दो तरह का तरीके का इंटरफेरेंस होता है। एक होता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और एक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड किस किस को बोलते हैं तो हम अब आगे जान लेते हैं। तो पहले हम जानेंगे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट के बारे में। डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट किस तरीके का इंटरफेरेंस होता है, जिस ऑप्टिकल डिवाइस, क्या बोलते हैं कि ऑप्टिकल डिवाइसेस विच डिवाइड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटू टू पार्ट्स बाई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड और डिफ्रैक्शन एंड देयर बाई गिव्स राइज टू टू कोहेरेंट इंटरफेयरिंग बीम। ऑप्टिकल डिवाइसेस विच डिवाइड द इंसिडेंट वेव फ्रंट इंटू टू पार्ट्स बाई रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन एंड देयर बाई गिव्स राइज टू टू कोहेरेंट इंटरफेयरिंग बीम। तो ऐसे करके जो इंटरफेयरेंस होता है जो ऑप्टिकल डिवाइस से, वो डिविजन ऑफ वेव फ्रंट क्लास में आता है। और इसके बारे में और एक चीज़ बताना है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट इसके बारे में दो चीज़ और बताना है कि इसमें जो सोर्स यूज होता है वो नैरो सोर्स यूज होता है, और दूसरा चीज़ ये है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न भी इंटरफेरेंस के साथ साथ प्रेजेंट नज़र आता है। मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रेजेंट अलॉन्ग विथ इंटरफेरेंस पैटर्न। और इसका एग्जाम्पल जो है ये ऑप्टिकल डिवाइस का सच लाइक बाइप्रिज्म, लॉयड्स मिरर, बाइलेट्स डिवाइडेड लेंस एट्सेट्रा। तो अब आते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के बारे में। तो अब डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑप्टिकल डिवाइसेस व्हिच डिवाइड द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट वेव इनटू टू और मोर पार्ट्स बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड देयर बाय गिव राइज टू टू और मोर कोहेरेंट इंटरफेयरिंग बीम्स ऑफ लाइट। तो ये जो है ये जिस क्लास में आता है, ये जो जो डिवाइस इस क्लास में आता है वो डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का हिस्सा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का एप्लीकेशन है। ओके, तो इसमें से दो चीज़ और बताना होगा, दो चीज़ जो है इसके बारे में अगर हम बोले तो ये है दो चीज़ जो है इसमें ब्रॉड सोर्स यूज करा जाता है, और इसका जो दूसरा जो पार्ट है वो है कि एब्सेंस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न अलोंग विद इंटरफेरेंस पैटर्न। और इस क्लास ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस में एग्जांपल आता है थिन फिल्म, माइकलसन का और फेब्री पेरोट का जो इंटरफेरोमीटर वगैरह है वो सब ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के एप्लीकेशन वाला ऑप्टिकल डिवाइसेस है। और लास्टली एंड फाइनली न्यूटन स्विंग जो हम करने वाले हैं वो भी ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड का ही एप्लीकेशन है, ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, ये सबको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक चीज़ अब सब नोटिस कीजिए कि जब हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड के बारे में बोले तो दोनों सोर्स को कोहेरेंट इंटरफेयरिंग बीम्स हिसाब से हम पॉइंट आउट किए थे। तो कोहेरेंस क्या होता है, कोहेरेंस का मतलब यह है कि कोहेरेंस इज रिलेटेड टू द डेफिनाइट फेज रिलेशनशिप एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। फॉर अ सोर्स टू बी कोहेरेंट इट मस्ट एमिट रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी और द फ्रिक्वेंसी स्प्रेड मस्ट बी वेरी स्मॉल and also the wavefront must have shape which remains constant in time।
तो ये है कोहेरेंस का जो मीनिंग जो है वो ये है। और कोहेरेंस इस हिसाब से, कोहेरेंस जो है टाइम और स्पेस के हिसाब से दोनों तरह का होता है। एक होता है टेम्पोरल कोहेरेंस और एक होता है स्पेशियल कोहेरेंस। ठीक है, तो और एक बात बोलना है, और जो है इसका जो लेंस होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, वो हम जब उसका स्ट्रक्चर, एपरेटस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तब मालूम होगा। तो मैं पहले बोल देता हूँ कि द लेंस हैज लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर सच दैट द एयर फिल्म इज वेरी स्मॉल, मतलब एयर फिल्म का जो थिकनेस होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, थिकनेस जो है वो स्मॉल होगा, तो वो सेम थिकनेस होगा, मतलब इक्वल थिकनेस। तो फ्रिंज का जो पैटर्न होता है वो दो तरीके का होता है, एक फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विड्थ और थिकनेस, और एक होता है इक्वल इंक्लाइनेशन, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन। मतलब ये जो क्लास है, ये जो पार्ट है, ये है कि फ्रिंज का जो विड्थ होगा वो हर जगह वेज शेप फिल्म, मतलब जो ये जो फिल्म होगा, थिन फिल्म जो बन रहा है, एयर फिल्म जो बन रहा है, एयर फिल्म का तो सब जगह थिकनेस सेम होगा, तो उस फ्रिंज पैटर्न को बोलता है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल विथ और इक्वल इंक्लाइन थिकनेस, ये सब बोलते हैं। और इक्वल इंक्लाइनेशन तभी होता है जब इंसिडेंट रे का एंगल के ऊपर वेरी डिपेंड करके फ्रिंज का पैटर्न होता है, इंसिडेंट एंगल का एंगल के ऊपर डिपेंड करके जो पैटर्न होता है वो फ्रिंज पैटर्न होता है, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन। तो ये है इक्वल विथ और इक्वल थिकनेस, मतलब ये है फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस का मामला। तो थ्योरी सारा का सारा हो गया है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं एपरेटस के तरफ। तो एपरेटस ये है कि जी एक ग्लास प्लेट के ऊपर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे टच करके रखा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लास प्लेट को 45 डिग्री एंगल के साथ रखा जाता है, 45 डिग्री एंगल जाके, ताकि यहाँ से जो लाइट आए वो मैक्सिमम यहाँ पे आके गिरे। और ये सोर्स है, सोर्स और ये सी लेंस एक रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस, ताकि इसको पैरेलल रे में कन्वर्ट कर सके, और इसमें से रिफ्लेक्ट करके वो पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर माइक्रोस्कोप में हम उसको देखते हैं। और जो फिल्म बनता है वो एयर फिल्म होता है, जो इसमें फिल्म बनता है, ये जो एयर पार्ट है इसमें फिल्म होता है, इसको कहते हैं वेज शेप्ड फिल्म, वेज शेप्ड फिल्म भी इसको कहते हैं। तो अभी जो है, ये क्या होता है, इसको जो जो फिल्म बनता है वो ऐसा होता है, पहले वाला डार्क, उसके बाद यहाँ पे जो है वो ब्राइट, मतलब जितना रेडियस बढ़ता जाता है उतना विड्थ कमता जाता है रिंग का। ठीक है, तो ये जो है ये डार्क बैंड है और ये ब्राइट बैंड है, ये डार्क बैंड, ये ब्राइट बैंड। ठीक है, तो ये इसका रीडिंग हमको नोट डाउन करना होता है माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप के द्वारा, तो उनका एक लीनियर स्केल होता है और वर्नियर स्केल होता है, जैसे रीडिंग लिया जाता है वैसे ही रीडिंग लिया जाता है, मेन स्केल के साथ वर्नियर कॉन्स्टेंट और वर्नियर रीडिंग ऐड करके जैसा जो आएगा वही रीडिंग होगा। ठीक है, तो वो होता है हम डायमीटर मेजर करते हैं, मतलब मान लेते हैं कि हम ये है डी एन और ये जो है वो एस्थ डार्क रिंग है, हम रिंग का डायमीटर ले रहे हैं, तो एस्थ रिंग का डायमीटर होगा डी प्लस एस। ठीक है, तो अगर हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर बता दिया जाता है तो, और हम लोगों को वेवलेंथ कैलकुलेट करना होता है, सोर्स का जो लाइट है, लाइट सोर्स का जो वेवलेंथ होगा वो कैलकुलेट किया जाता है, तो ये फॉर्मूले से हमको
डिराइव करना होगा। मान लेते हैं कि डी एन जो है वो तीसरा रिंग डार्क रिंग है, ठीक है, और जो एन प्लस एस है वो है थर्टीएथ रिंग, थर्ड और थर्टीएथ रिंग का मैंने डायमीटर का रीडिंग लिया है, उसका स्क्वायर करने के बाद दोनों का स्क्वायर करके उसका माइनस करना होगा जो वैल्यू आएगा। एस क्या होता है, एस से होगा 30 माइनस 3, मतलब एस जो होगा मतलब एन प्लस एस माइनस एन जो तब एस मिलेगा हमको, और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको बोले दिया जाता है। तो यहाँ पे 4 देखिए, यहाँ से लैम्डा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक ग्राफ है, तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे करे हैं, एक इसमें है पहले रिंग नंबर पी, मान लेते हैं 30, पी छोड़ देते हैं, 30th रिंग का लेते हैं, ऑब्जर्व फ्रॉम मतलब एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से लेना होगा। फर्स्ट मान लेते हैं लेफ्ट साइड का मतलब जो लेफ्ट ये साइड है, ये साइड का पहला 30, ये मान लेते हैं ये 30th रिंग है, ये 30th रिंग का फर्स्ट जो है लेफ्ट और उसके बाद राइट दोनों का रीडिंग आएगा, ठीक है। ऐसे करते 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 3 तक आना है, लेफ्ट राइट करते करते पैरेट करते करते, ठीक है। तो जो हम जो स्क्रू को हम स्क्रू गेज को घुमा के ये करेंगे, तो पहले क्या करना है, 35 से हम लेफ्ट साइड के यहाँ तक आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी सीधा यहाँ पे जाके फिर से राइट तरफ से अगर हम आए तो उसमें से ये जो मैंने बोला था पहले बैकलैश एरर के बारे में, वो बैकलैश एरर आ जाएगा। तो वो जो है वो रीडिंग लेने के समय थोड़ा ध्यान रखना होगा ये कि पहले यहाँ पे लेकर उसको एक ही डायरेक्शन में ले जाना है, मतलब अगर आप लेफ्ट से शुरू करते हैं तो लेफ्ट से धीरे धीरे करके राइट तक ले जाइए, और अगर राइट से शुरू करते हैं तो फिर राइट से आते आते लेफ्ट तक आइए, ताकि ऐसे रीडिंग हो कि पहले यहाँ से शुरू होकर यहाँ से फिर से ये शुरू होगा, ऐसे रीडिंग खत्म होगा, मतलब थर्ड रीडिंग ऑफ राइट मान लेते हैं ये थर्ड रिंग है, तो थर्ड रिंग का लेफ्ट, थर्ड रिंग का राइट, इसे 30th रिंग का लेफ्ट, 30th रिंग का राइट, ऐसे करके आपको रीडिंग लेना है। एक तरफ से शुरू नहीं करना, शुरू करना है तो एक ही तरफ जाइए, एक से एक तरफ आके उसमें फिर बैक करके मत जाइए, तो बैकलैश एरर का संभावना होगा। हाँ, और एक चीज़ यहाँ पर बताना था, इसमें जो रिंग नंबर मान लेते हैं P1, P2, P3 ऐसे करके 10 आ रहे हैं, उसके हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग D1, D2 आते रहेगा, D3 ऐसे करके 10 रीडिंग आएगा 3 से 30 तक। तो इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके इसका एक टेबल बनाना होगा ग्राफ के लिए। और एक बात बताना भूल गए, जो ये जो डिस्क होता है फ्रिंज पैटर्न, इसको एरीज डिस्क भी कहते हैं, एरीज डिस्क ये जोन प्लेट में भी आता है, ओके, एरीज डिस्क भी कहते हैं। तो अब हम ग्राफ जब प्लॉट करेंगे, ग्राफ के लिए एक अलग सा टेबल मैंने रिकमेंड किया है, तो वाई एक्सिस बराबर और एक्स एक्सिस बराबर रिंग नंबर जाएगा, और वाई एक्सिस बराबर जाएगा डी स्क्वायर, सेंटीमीटर में जा सकते हैं, मिलीमीटर में जा सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं यूनिट में वो कर सकते हैं। तो यहाँ तक डी स्क्वायर जाएगा, तो ग्राफ जो होगा ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, और मान लेते हैं कि ये जो है ये थर्ड रीडिंग है, मतलब D3 है, और इसको हम P1N1 नाम देते हैं, और ये जो है वो D30 का है, D30 स्क्वायर D3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर
मतलब dm स्क्वायर जा रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम रिंग नंबर लेते हैं तो n2 होता है, तो n1 से n2 तक का फासला जो है वो s होगा डिफरेंस। तो अगर इसका स्लोप निकलना है, स्लोप हमको निकलना है m, तो ये होगा p2 n2 माइनस p1 n1 बाय n1 n2, मतलब जो होगा स्लोप वो होगा डी एन प्लस एस उसका होल स्क्वायर और डी एन उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। तो हम लोग जो जो फॉर्मूला पता था हम लोगों को, लैम्डा का मान डी एन प्लस एस स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर बाय फोर आर एस से मिलेगा। तो अगर हम स्लोप मिल हम लोगों को स्लोप मिल जाते हैं ग्राफ से, तो स्लोप डिवाइडेड बाय 4r करके भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों को अगर पता होगा तो स्लोप अगर मिल जाए तो m बाय 4r करके भी हम लैम्डा इवेलुएट कर सकते हैं। लास्ट जो बात हमको बोलना चाहिए कि और एक एक्सपेरिमेंट होता है न्यूटन रिंग के, तो हमको वेवलेंथ आप लोगों को वेवलेंथ बता दिया जाएगा और आप लोगों को फाइंड करना होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है लेंस, वो जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका, ठीक है। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का अगर आप लोगों को जो फॉर्मूला पहले दिया गया था, लैम्डा इज इक्वल टू डी एन प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर आर एस, तो इसमें से अगर आर यहां पर ले आते हैं तो सेम तरीके से टेबल करके हम ऐसे डी एन प्लस एस और डी एन का वैल्यू निकल के उसका स्क्वायर करके और उससे माइनस करके फोर लैम्डा एस अगर करें, अगर लैम्डा हम लोगों को पता है एस पता है तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से निकाल सकते हैं। और एक तरीका है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो स्फेरोमीटर के द्वारा भी इवेलुएट करा जा सकता है, तो स्फेरोमीटर के द्वारा और इसमें द्वारा जाके एक बार कंपैरिजन करने के बाद अगर आर का वैल्यू सेम आए तो एक्सपेरिमेंट ठीक ठाक है। तो जो स्फेरोमीटर के द्वारा हेल्प से आप जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इवेलुएट करने जाएंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, तो ये आएगा ये जो फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला डी और एच क्या क्या है वो अभी बता देते हैं। तो ये हम बोलते हैं कि डी जो है इसमें से रेडियस ऑफ कर्वेचर डी द मीन डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव लेग्स ऑफ स्फेरोमीटर। हमको पता है कि स्फेरोमीटर का जो है वो तीन लेग होता है और ये तीन लेग के अंदर जो दो कॉन्जिक्यूटिव लेग होगा उसके जो डिफरेंस है वो है डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस वो है डी। और एच है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स स्क्रू व्हेन इट टचेस कॉन्जिक्यूटिवली द कन्वेक्स सरफेस एंड अ प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस में जब टच कर रहा है दो, उन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है एच। तो ऐसे करके भी रेडियस ऑफ कर्वेचर इवेलुएट करा जा सकता है न्यूटन रिंग के अपैरेटस के लिए। तो यही तक था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बुरा भी लगे तो कोई भी मैं फॉल्ट किया हूँ तो वो भी बताइएगा तो अच्छा होगा। और धन्यवाद सबको फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।